यह स्वाभाविक लगता है कि जीनियस यानी बौद्धिक प्रतिभाशाली भौतिक संरचना में निहित है। इसलिए यदि हम आइंस्टीन के मस्तिष्क के अंदर गहरी जांच करते हैं तो क्या होगा? क्या हम प्रतिभा के रहस्यों को अनलॉक कर सकेंगे या साधारण दिमाग को बदलकर प्रतिभाशाली दिमाग बना सकेंगे? हम उत्तर देने में लगभग असमर्थ होंगे, परंतु एक आदमी का मानना था कि यह संभव हो सकता है और उसने इसे साबित करने के लिए अपना सब कुछ जोखिम में डाल दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर थॉमस हार्वे की, जो पेशे से एक पैथोलॉजिस्ट यानी चिकित्सक थे। बुद्धिमानी के सुपरस्टार अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु 18 अप्रैल सन 1955 के रात 1:15 पर हुआ और आइंस्टीन के मृत्यु के कारण का पता लगाने का कार्य थॉमस हार्वे को सौंपा गया। परंतु हार्वे के मन में कुछ और ही चल रहा था। हार्वे तो आइंस्टीन के जीनियस होने का पता लगाना चाहता था। इस प्रकार डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टीन के दिमाग को निकालकर उस पर शोध करने का मन बना लिया और 20वीं सदी के सबसे महान मस्तिष्क की जांच की। हालांकि आइंस्टीन कभी ऐसा नहीं चाहते थे कि उनके मृत्यु के बाद उनके शरीर का वैज्ञानिक जांच हो। वो केवल चाहते थे कि उनके विज्ञान के प्रति योगदान को लोग याद रखें और उन पर शोध करें, ना कि उनके शरीर पर। इसके बाद भी हार्वे आइंस्टीन के परिवार के अनुमति के बिना ही आइंस्टीन के मस्तिष्क को निकाल लिया और उसे अपने लंच बॉक्स में रखकर चोरी से अपने घर ले आए। इधर आइंस्टीन का परिवार अचंभित था। सारे सरकारी अधिकारी एवं हार्वे के सहकर्मी आइंस्टीन के मस्तिष्क की मांग करने लगे। परंतु जब हार्वे ने यह वायदा किया कि वह मस्तिष्क का उपयोग केवल वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए ही करेगा, तब आइंस्टीन के बेटे ने हार्वे को ऐसा करने की अनुमति दे दी। अब उसे आइंस्टीन के शानदार दिमाग के रहस्यों को अनलॉक करना था। लेकिन हार्वे एक रोग विज्ञानी था, न्यूरोसाइंटिस्ट नहीं। परंतु फिर भी हार्वे मस्तिष्क की जांच प्रारंभ करते हुए मस्तिष्क को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक साधारण माइक्रोस्कोप से उसकी जांच करना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार सन 1924 में जब सोवियत यूनियन के संस्थापक व्लादिमीर इलिच लेनिन की मृत्यु हुई तो रूसी यह जानने के लिए बेताब थे कि लेनिन के मस्तिष्क में ऐसा क्या था जो उन्हें एक जीनियस बनाया। और इसे जानने के लिए न्यूरोसाइंटिस्ट ऑस्कर वोग्ट ने लेनिन के ब्रेन पर शोध करने के लिए एक इंस्टीट्यूट खोला और शोध में पाया कि लेनिन के बुद्धिमान होने का कारण उनके मस्तिष्क के सेरेब्रल कोर्टेक्स के तीसरे परत में कुछ पिरामिड न्यूरॉन्स बहुत बड़े थे। मॉस्को के मस्तिष्क संस्थान की तुलना में हार्वे की सुविधाएं बुनियादी थी। इसी बीच आइंस्टीन के मस्तिष्क के कारण हार्वे के पारिवारिक संबंध खराब होते जा रहे थे। हार्वे ने अपने अध्यक्षता के लिए अपना परिवार तक छोड़ दिया और 1960 में प्रिंसटन शहर को भी छोड़ दिया और फिर एक शहर से दूसरे शहर और एक नौकरी से दूसरी नौकरी, दूसरी शादी, फिर तीसरी। आखिरकार अंत में हार्वे के मेडिकल लाइसेंस को रद्द कर दिया गया और उसके बाद हार्वे ने एक प्लास्टिक के फैक्ट्री में काम करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन हार्वे आइंस्टीन के दिमाग के रहस्यों को समझने में प्रगति नहीं कर पाया। आखिरकार हार्वे को स्वीकार करना पड़ा कि वह दिमाग के रहस्यों को खोजने में असमर्थ है। और फिर अंत में हार्वे ने आइंस्टीन के दिमाग को
बर्कली कैलिफोर्निया में न्यूरोसाइंटिस्टों के पास भेज दिया। वहां वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन के दिमाग में ग्लायल कोशिकाओं की मात्रा किसी आम इंसान से ज्यादा पाया। दोस्तों, ग्लायल कोशिकाएं मस्तिष्क में सहायता और पोषण प्रदान कराती है, सिग्नल ट्रांसमिशन में भाग लेती है और न्यूरॉन्स के अलावा यह मस्तिष्क का एक अभिन्न अंग होता है। आइंस्टीन हमेशा से कहते थे कि वे अपने समस्याओं को अपने दिमाग में कल्पना करके हल करते हैं। तो क्या दिमाग में अतिरिक्त ग्लायल सेल्स होने से हम अपने कल्पना शक्ति को बढ़ा सकते हैं? क्या ग्लायल सेल्स ही आइंस्टीन के जीनियस होने का रहस्य है, या शायद नहीं? सन 1996 में आखिरकार आइंस्टीन का दिमाग प्रिंसटन हॉस्पिटल वापस पहुंच गया, जहां से हार्वे ने इसे 41 साल पहले चुराया था। हार्वे खुद भी प्रिंसटन लौट आया और यहीं पर हार्वे की मृत्यु हुई। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारे नए वीडियो देख सकें सबसे पहले। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।